बिहार में एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे एक महीने तक आपको आसमान में एक भी काला कौवा नजर नहीं आएगा। आखिर देश दुनिया में जो काला कौवा हर जगह पाया जाता है वो एक महीने के लिए राजगीर से क्यों गायब हो जाता है, क्यों किसी को नजर नहीं आता, आज इसकी पूरी सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं। मलमास महीना क्यों है हिंदुओं के लिए इतना खास? 33 कोटि देवी देवता जब आते हैं राजगीर तो काला कौवा क्यों चला जाता है राजगीर से बाहर, इसके पीछे की सच्ची कहानी आप तक लेकर आएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए आसमान की थोड़ी तस्वीर दिखा देते हैं आपको। देखिए सामने राजगीर की बिल्कुल पहाड़ियां है, आपको इस पहाड़ी में भी कोई काला कौवा नजर नहीं आएगा। हमारे बिल्कुल ऊपर एक पीपल का पेड़ है, अगर इस पीपल के पूरे पेड़ को हम देखना चाहें तो आपको आस पास एक भी यहाँ पर काला कौवा नजर नहीं आएगा। यहाँ पंडित जी इनसे बातचीत करते हैं, क्या नाम है आपका? जितेंद्र उपाध्याय। तो ये कथा क्या है पंडित जी, काला कौवा कहाँ चला गया, क्यों राजगीर में काला कौवा नहीं दिखता है, आपने देखा है? इसलिए नहीं रहते हैं कि उनको निमंत्रण नहीं मिला था। अच्छा। 33 कोटि देवता यहाँ जब सब निमंत्रण पर आए थे, जब राजा बसु यहाँ वाजपेयी यज्ञ किए थे यही एक स्थल में, उसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पर बुलाया गया था, तो उसमें काकभूषुण जी को निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए एक महीने कौवे नहीं देखने को मिलता। अच्छा, तो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है राजा बसु, जो यज्ञ उन्होंने करवाया उसमें काला कौवा को निमंत्रण देना वो भूल गए थे। भूल गए थे। अच्छा। जैसे घर में शादी विवाह होता है तो सभी व्यक्ति को ये कोई ना कोई छूट जाता, उसी प्रकार छूटा, कोई जान के नहीं छोड़ा गया था। अच्छा। मतलब मिस्टेक जिसको कहते हैं वही सबसे मिस्टेक होता था। तो राजगीर के बाहर काला कौवा दिख जाएगा? हाँ, बगल में है, बगल में जाइए। और देखिए दूसरा चीज भी ये भी है, पढ़े लिखे व्यक्ति तरह ये सब बोले, कुछ मैंने ये हावड़ा के जितना मैंने जो वायु प्रदूषण मैंने प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा हो, शोर शराबा के कारण भी कुछ हड़का हुआ रहता है पशु पक्षी, ऐसी बात है। हाँ। ऐसे देख लो, लेकिन ऐसे मान्यता है। हाँ। कि काला कौवा यहाँ नहीं रहता, वही काकभूषुण जी को निमंत्रण नहीं मिला। हाँ, वही कारण। आप कितने सालों से राजगीर में है? हमारा तो यहाँ यही जन्म हुआ है। आपका जन्म हुआ है? हाँ। अपने जन्म से आप मलमास महीने में यही होते हैं? हाँ, 57 बरस एज हो रहा है, लेकिन यही मैंने 57 साल में आपने मलमास में कभी काला कौवा देखा कि नहीं, सच्चाई बताइए। नहीं, कभी कभी रहता है एक पेड़ उड़ में छुपा हुआ, कभी कभी दिखाई देता है। दिखता है तो छुप के रहता है? छुप के रहता है, ऐसे खुले आसमान में उड़ता हुआ, जमीन पर नहीं दिखाया। नहीं दिखा। तो देखिए यही हकीकत है कि खुले आसमान में काला कौवा नहीं दिखेगा। लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? सुनील प्रसाद। मलमास महीने में राजगीर आए हैं, रास्ते में आते हुए राजगीर में कहीं काला कौवा नजर आया? नहीं। देखिए इनको भी नजर नहीं आया। कुछ और लोगों से सच्चाई जानते हैं, कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं, क्या उनको काला कौवा नजर आया राजगीर में, क्योंकि इसको लेकर अलग अलग तरह की कहानी आई। देखिए यहाँ पर दीदी लोग बैठे, इनसे बातचीत करते हैं, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? सक्सोरा से। थोड़ा तेज बोलिए। काला कौवा दिखा है राजगीर में? नहीं दिखा। नहीं दिखा है। कहाँ से जो रास्ता आई, कहीं रास्ते में तुमको दिखा बेटा? नहीं दिखा। देखिए किसी को नहीं दिखा। अब यहाँ पे और भी लोग हैं, इनको भी पूछ लेते हैं कि क्या आपको नजर आया। पंडित जी आप कब से हैं यहाँ पर? हम तो अभी से हैं, मतलब कि एक महीना से, मलमास महीने में यहीं पर काला कौवा नजर आया आपको? नहीं, क्षेत्र में नहीं दिखा है। नहीं दिखा। इधर उधर गांव गिराव धरे तो देख भी नहीं करेगा यार। लेकिन राजगीर का जो मुख्य जगह है, जो यज्ञ स्थान है, वहाँ क्षेत्र में नहीं दिखा। तो देखा आपने, जो धर्म स्थली है, जो यज्ञ क्षेत्र है राजगीर का, जहाँ पर ब्रह्म कुंड बना हुआ है, जो पूरा मंदिर का स्थान है, आसपास की पहाड़ियाँ हैं, यज्ञ स्थली वही है। देखिए यज्ञ स्थली की तरफ भी लेकर आपको चलते हैं, यहाँ पे काला कौवा नजर नहीं आया। अब यज्ञ कहाँ पर हुआ है वो जगह चलिए आपको चलकर दिखाते हैं, आइए। तो देखिए जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर यज्ञ स्थली है, तो बिल्कुल वो जगह हम आपको, यही स्थल है, इसीलिए यहाँ पर ध्वजारोपण किया जाता है अधिक मास जब होता है। अच्छा। तो देखिए यहाँ पर यज्ञ हुआ, बिल्कुल उसी जगह हम लोग पहुँच गए। पहले ये थोड़ा सा बता दीजिए कि मलमास महीना होता क्या है, इतना पवित्र राजगीर के लिए क्यों है? मलमास मेला जो एक महीना ही, जो फालतू 13वां महीना ही है, साल में 12 महीना होता है, लेकिन एक समय हिरण्यकश्यपु को वरदान मिला कि न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न घर मरेगा, न बाहर मरेगा, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, न नर मारेगा, न नारायण मारेगा, न महीना में मरेगा, न साल में मरेगा, ऐसा वरदान हिरण्यकश्यपु को मिला था, वो ब्रह्मा जी दिए थे। लेकिन इस महीना का मालिक भगवान विष्णु बने,
पुरुषोत्तम मास अधिक मास इसलिए बनाया गया थे, 36 महीना का ये मल है, इसलिए मले मास कहते हैं इसको। अच्छा। एक एक दिन एक जैसे सब महीना में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, उसमें कोई पक्ष होता है 14 का, कोई होता है 15 का, कोई होता है 13 का भी होता है, वही जो एक एक दिन करके जो होता है वो बढ़ता है, एक जब 30 दिन होता है तो यहाँ मले मास लग जाता है। अच्छा। अब मलमास महीना के बारे में आपको बता देते हैं, थोड़ा सा अंदर दिखाते हैं, और पंडित जी आप ही बताइए हमें कि ये जो हम देख पा रहे हैं स्थली यही है। हाँ। यज्ञ स्थली यही है। अच्छा। यहीं पर यज्ञ किए थे राजा बसु के, ब्रह्मा जी के प्रपौत्र राजा बसु। अच्छा। वाजपेयी यज्ञ किए थे यहाँ। यहाँ पर क्यों करवाया गया था? वही 33 कोटि देवता का निमंत्रण जो हुआ था यहीं आगमन। कोई शुभ काम होता है तो कोई पूजा पाठ होती है, तो यज्ञ क्यों हुआ था? यज्ञ इसीलिए किए थे जिसे हिरण्यकश्यपु को मारे ना। हाँ। उसके बाद मारने के बाद यहाँ पर सभी देवी देवता का एक समय मैंने यहाँ मैंने समझिए कि आके यहाँ आगमन हुआ और मीटिंग होके फिर अपना पूजा पाठ किया और क्या। अच्छा, उसके लिए। हाँ हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुंड का निर्माण हुआ ये। अच्छा, तब ये पानी निकला। हाँ। ये जो पानी सात धाराओं से निकलता है कितना अच्छा होता है। यहाँ पर राजगीर में 52 धाराएं और जो है 22 गर्म कुंड माने जाते हैं, कितना अच्छा माना जाता है। पानी जो है देखिए इसका टेम्परेचर धारे का 32 डिग्री है और नीचे का करीब करीब 40 डिग्री है। हाँ। पानी जो ये जड़ी बूटी से होके गुजरता है, ये शरीर के लिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा पानी माना गया। स्नान करने से इसमें लकवा गठिया माता का रोग जो होता है वो करीब करीब ठीक होता है। और रोड के वो साइड में जो है सूरज कुंड है। हाँ। जो पानी उधर भी गर्म है लेकिन उसका तासीर, पानी का तासीर होता है, इसका गर्म है उसका ठंडा है। उसमें आप स्नान कीजिएगा तो गर्म लगेगा लेकिन उस शरीर पर असर उसका ठंडा होता है, इसलिए उधर एक जीमा वगैरह जिनको मैंने रहता है प्रॉब्लम उस उधर नहाते हैं। हाँ, स्किन प्रॉब्लम वाले उधर है, इधर लकवा गठिया बाता दर्द वाले रोगी इधर। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। तो थोड़ा सा आपने दर्शकों को पानी की, देखिए सामने ये राजगीर के खूबसूरत वादियां हैं और इस खूबसूरत वादी के बीच में ये बहुत खूबसूरत सा नज़ारा आप मंदिर का देख रहे हैं। ये हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है राजगीर का ये मंदिर, और इसे मंदिर की ये आस्था थी जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। चाहे बात काले कावे की हो, मलमास महीने की हो, या फिर यहाँ क्यों हुआ था यज्ञ, इस ब्रह्म कुंड के गर्म पानी की कहानी हो या सूर्य कुंड के ठंडे पानी की कहानी हो, सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा वो भी हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार।